हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेल्डिंग गुरुजी में। स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपके लिए वेल्डर ट्रेड के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेल्डिंग के दौरान आर्क को बनाए रखने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 180 से 240 वोल्ट, बी 15 से 45 वोल्ट, सी 60 से 100 वोल्ट, डी 100 से 125 वोल्ट। सही करेक्ट आंसर बी 15 से 45 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः लंबी आर्क बनाने के लिए वोल्टेज और धारा क्रमानुसार होती है? ऑप्शन ए ज़्यादा कम, बी कम कम, सी ज़्यादा ज़्यादा, डी कम ज़्यादा। सही करेक्ट आंसर ए ज़्यादा कम। क्वेश्चन नंबर 3, छोटी आर्क की लंबाई साधारणतः मानी जाती है? ए 6 mm से ज़्यादा, बी 2 mm से कम, सी 2 mm से ज़्यादा, डी 6 mm तक। सही करेक्ट आंसर बी 2 mm से कम। क्वेश्चन नंबर 4, आर्क बलों की समस्या साधारणतया होती है? ए अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बी प्रतिवर्ती धारा में, सी दिष्ट धारा में, डी प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा दोनों में। सही करेक्ट आंसर सी दिष्ट धारा में, डी सी। क्वेश्चन नंबर 5, लोहा एवं अलोहा धातु की वेल्डिंग किसमें की जाती है? ऑप्शन ए इनमें से कोई भी नहीं, बी एसी वेल्डिंग तथा डीसी वेल्डिंग दोनों में, सी डीसी वेल्डिंग में, डी एसी वेल्डिंग में। सही आंसर सी डीसी वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 6, किस वेल्डिंग उपकरण में गतिशील अंग होता है? ऑप्शन ए गैस वेल्डिंग उपकरण, बी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, सी डीसी मोटर जनरेटर सेट, डी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और डीसी मोटर जनरेटर सेट दोनों। सही करेक्ट आंसर सी डीसी मोटर जनरेटर सेट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से आर्क वेल्डिंग के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दस्ताना प्रयोग करने चाहिए, बी वेल्डिंग मशीन भू संपर्कित होनी चाहिए, सी वेल्डिंग केबल को तेल के संपर्क में रखना चाहिए, डी हाथ रक्षावरण का प्रयोग करना चाहिए। सही करेक्ट आंसर सी वेल्डिंग केबल को तेल के संपर्क में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, भू संयोजन क्लैंप किस धातु के बने होते हैं? ए एल्यूमिनियम, बी जस्ता, सी स्टील, डी गन मेटल। सही करेक्ट आंसर डी गन मेटल। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लक्स के कार्य के संबंध में क्या गलत है? ऑप्शन ए मुख्य धातु की आकृति में परिवर्तन होता है, बी आर्क की को स्थायी करना, सी आर्क के चारों ओर निष्क्रिय गैस का आवरण बनाना, डी पिंगली धातु पर धातुमल जमा करना। सही करेक्ट आंसर ए मुख्य धातु की आकृति में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 10, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आँखों के लिए हानिकारक किरणें कौन सी होती है? ऑप्शन ए गामा किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, सी अल्फा किरणें, डी एक्स किरणें। सही करेक्ट आंसर बी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।